तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर दास ब्लॉगर। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं खेत तक प्रूनिंग करने। घर में बैठ के थोड़ा बोर हो गया था, कल भी मैं पूरा दिन घर में बैठा था। हालांकि मेरे पास कल मेरी दो भांजियाँ और एक कुंदन था संभालने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ और पीछे देख लीजिए बर्फ दिख रही होने आपको, फेस पे दारे हैं बर्फ की। और मेरे पीछे देख लीजिए रैम्बो को, ये भी जा रहा है मेरे साथ। इसको मैं साथ में ले जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि इसको भी घर में बांध के रखते हैं, हम छोड़ते नहीं आजकल ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों इनकी बाकी कुत्तों के साथ फाइट हो जाती है गांव में या फिर लोगों के खेत में चले जाते हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा बांध के रखते हैं। अभी चाहूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर, जहाँ आपको ये सेब के पेड़ दिख रहे होने, बस 10 मिनट का रास्ता सिर्फ, और अभी पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ को बोलते हैं हम दोस्तों टूका, और यहाँ पर बैठे मेरे को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ से थोड़ी नीचे तक प्लेन है और यहाँ पर थोड़ी जैसे पहाड़ की चोटी है और नीचे सिर्फ नदी नदी दिखाई देती है, नाले नाले। देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एकदम अच्छा नज़ारा दिखता है, पहाड़ की चोटियाँ चारों साइड, और नीचे को देखेंगे तो नदी, गांव, और इस साइड भी बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। ये देख लीजिए चारों साइड बर्फ की चोटियाँ हैं। देख लीजिए दोस्तों, और ये छोटा जैसा मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों अब देवदार के पेड़ भी लगा लिए हैं मंदिर के आसपास, हालांकि एक पेड़ है और एक पेड़ यहाँ पर नीचे है, दिख रहा हूँ आपको। और यहाँ पर भी नीचे एक छोटा सा पेड़ और ये पेड़ है किसी और चीज़ का, नाम भूल गया मैं भी, शायद काइल का। और जो दोस्तों जो आपको दिख रहा हो ना, इसको बोलते हैं हम थौ। ये हमने तो क्या, मेरे परिवार वालों ने, जो मेरे दादी थे उनकी याद में बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पीछे एक पेड़ भी लगाया हुआ छोटा जैसा, दिख रहा है आपको, खुमानी का पेड़ है। ये पेड़ दोस्तों मैंने लगाया था छोटे में, जब मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता था, तो वो इतना सा पेड़ था छोटा जैसा, तो इसको मैंने मिट्टी से निकाल के अपने खेत में लगा लिया। और बाद से जब तो थोड़ा जैसा बड़ा हो गया, तीन चार साल का तो नहीं, तो वहाँ से उखाड़ के इसको यहाँ पर लगा दिया गया। अब देख लीजिए कितना बड़ा हो गया, हालांकि इसमें इससे भी बड़ा होना था। लेकिन दोस्तों यहाँ की जगह देख लीजिए किस तरह की है, क्योंकि चोटी है तो फिर मिट्टी भी यहाँ पर कम ही होगी, तो पत्थर पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, पेड़ तो है नहीं। ये पेड़ तो चलो फिर दोस्त हो गया है, और एक पेड़ ही है ये दोनों, इसके सिवाय यहाँ पर चोटी के ऊपर कोई पेड़ नहीं है, बस इसको लगाया सबसे टॉप के ऊपर, फिर साइड में तो पेड़ है वैसे मोरू के। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मैंने क्या क्या लाया है, एक स्वेटर लाई है मैंने ताकि ठंड ना लगे, और एक रस्सी लकड़ी लाने के लिए, और कैंची और तेनी काटने के लिए क्लोथर, उसके बाद मैंने एक जैकेट और मफलर लाया हुआ है। रैम्बो बैठा अभी है अपनी मस्ती में, अभी पहुंचता मैं बगीचे तक पहले, फिर बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो दोस्तों मैं खेत में तो पहले ही पहुंच गया था, अभी मैंने 4-5 पेड़ों की प्रूनिंग कर ली है, यहाँ से ऊपर तक है और परे तक, परे में तो आधे में कर लिया है। यहाँ से जो आपको दिख रहा होना पेड़, यहाँ वाला बीच वाला, इससे परे भी बचे हैं वैसे पेड़ तो, और ऊपर से बचे हैं, और इस साइड से बचे हैं ऊपर तक पेड़, इनकी प्रूनिंग हम कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। और इसके अंदर रखा दोस्तों हमने गोबर, आपको दिख रहे होंगे हमने ऊपर से तिरपाल रखी है उड़ के, ताकि इसके अंदर दोस्तों पानी ना चले जाए, इससे गोबर थोड़ा सूखा रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह हमने इसको क्यों रखा है उड़ के, क्योंकि यहाँ पर पंछी वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पर जो केंचुए रखे हैं हमने गोबर को खाने के लिए, ताकि गोबर की खाद बने अच्छे से, वो पंछी आते हैं और उन केंचुओं को खा खा के चले जाते हैं। यहाँ देख अभी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का हाल किया उन्होंने, पंछी आते हैं और इस तरह से साफ करते हैं जगह, और यहाँ भी और इस साइड भी दोस्तों, यहाँ हमारे दोस्तों थोड़ी खाद ठीक बनी है, ये देख लीजिए। इस खाद को दोस्तों हम पेड़ों में डाल देते हैं ताकि सेब दोस्तों अच्छे हों, अच्छी फसल मिले सेब की, तो इसलिए डालते हैं इसको। अभी इसकी प्रूनिंग, परे वालों की प्रूनिंग की हुई मैंने, और अभी करूंगा मैं इनकी प्रूनिंग। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अभी भी काफ़ी बर्फ़ है,
और ये रहा मेरा ट्राइपॉड, छोटा जैसा है, बड़ा नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इसको लाया है, माइक मैंने नहीं लाया है क्योंकि माइक का काम नहीं है यहाँ पर, माइक की ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये रही पासी की कैंची, सस्ती कैंची है लेकिन ठीक है सेब के पेड़ों के लिए। और ये रहा, इसको तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको। और यार दोस्तों डंडा, ताकि जो टहनी है आगे है लंबी लंबी, इससे खींच के निकाल दूँ। पहाड़ों पर देख लीजिए दोस्तों, बर्फ गिर रही है। ये साइड देख लीजिए, चारों साइड गिर रही है। तो अभी दोस्तों मैंने प्रूनिंग को रोक दिया है क्योंकि पीछे देख लीजिए किस तरह की बर्फबारी हो रही है। अभी मैंने यहाँ पर आग भी जलाई है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। प्रूनिंग नहीं हो पा रही थी ढंग से क्योंकि प्रूनिंग के लिए थोड़ा मौसम साफ चाहिए होता है, ठंडी हवा चलेगी तो पेड़ों के ऊपर प्रूनिंग करने में उतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जलाई दोस्तों मैंने आग, अभी मैं थोड़ी देर आग सेकता। अगर दोस्तों मौसम साफ होगा, अभी बर्फबारी रुक जाएगी या फिर ये ठंडी हवा जो चल रही है ये रुक जाएगी, तो मैं फिर से प्रूनिंग कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं घर चला जाऊँगा। तब तक थोड़ी देर में आग सेक लेता हूँ, आप ही आ जाओ आग सेकने। अभी दोस्तों मैं लास्ट बार आग सेक लेता हूँ, अभी फिर चलता घर, आप भी चलिए। कल भी ऐसा मौसम रहेगा तो मैं कल कहीं और जाऊँगा नई जगह पर, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्लॉग लेके आऊँगा, तो इंतज़ार कीजिए और इस ब्लॉग को देखिए। तो फाइनली दोस्तों रेम्बो भी पहुँच चुका है, पता नहीं कहाँ गया था, मैं इसको पहले आवाज़ें भी दे रहा था, अब जाके पहुँच गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और शेयर भी कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।